मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रायसेन में तकरीबन 2,34,000 फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। खास रिपोर्ट देखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना का पहले चरण हालांकि कल 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में जिला प्रशासन को 1,87,000 लाडली बहना के फॉर्म भरने का लक्ष्य मिला था। जहां प्रचार प्रसार की बात की जाती है तो जहां जिला प्रशासन ने, आप ये देख सकते हैं, एक बहना बनी हुई है जो कि 500-500 के दो नोट गिनती हंसती हुई मुस्कुराती जा रही है, जो कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि हर बहन खुशहाल रहे, तो वो ये दर्शाती। वहीं इसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी इस योजना का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं तो प्रथम चरण की आज हालांकि 29 अप्रैल है, लेकिन अगर जिला प्रशासन को मिलने वाले लक्ष्य की बात करते हैं तो 1,87,000 फॉर्म भरने का लक्ष्य यहां पर जिला प्रशासन को मिला था। लेकिन जिला प्रशासन के मुखिया अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर ने खुद इस पर मॉनिटरिंग करी और इसकी नोडल अधिकारी अंजू पवन भदौरिया, जो कि जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, उनको इसका नोडल बनाया और उनकी और कलेक्टर की मेहनत एक बार रंग लाई और 2,34,000 फार्म के करीब यहां पर लाडली बहना योजना में भरे गए हैं। वहीं अगर आज की बात करते हैं तो आज और कल दो दिन गांव-गांव हर घर जाकर, चाहे वो शहर में हो, नगर में हो, चाहे गांव की बात की जा रही है, तो टीमें रवाना हो गई हैं, हर घर में जो टीमें जा रही हैं। अगर कोई छूट गया है, कोई लाडली बहन अगर इस योजना के लाभ से छूट गई है, तो उसके घर घर जाकर यहां पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज और कल यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन अगर बात करते हैं तो पहले चरण में लगभग आज की बात करते हैं 2,34,000 फार्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं और आज और कल दिन में, दो दिन में जितने भी फार्म भराएंगे उसके बाद ये देखने को मिलेगा कि कितने फार्म भराए जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं तो पूरे मई के महीने में दावे आपत्ति का दौर होगा। वहीं 1 जून को इसकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी कि ये लोग इसमें, इतनी बहनें इसमें वैध पाई गई हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलना है। वहीं 10 जून को इस लाडली बहना योजना की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में जिला प्रशासन की तैयारियां में आज 2,34,000 से ऊपर फार्म भरे गए। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन।